नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक बॉस पे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सिंपल सा गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है गूगल फॉर्म। फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, google.com फॉर्म अबाउट, जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके लिए, पर्सनल एंड बिजनेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे पर्सनल, गो टू गूगल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक कीजिए ब्लैंक फॉर्म पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, दो ऑप्शन हैं, क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। तो पहले हम क्वेश्चन वाले सेक्शन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये अनटाइटल फॉर्म है, इसे नाम दे देता हूँ मैं सर्वे, सर्वे फॉर्म। ओके, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आपके फॉर्म का, दिस इज अ कॉलेज सर्वे रिपोर्ट फॉर्म। ओके, नाउ जैसे आप इस अनटाइटल क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो जो भी यूज़र है, अगर आप उससे सर्वे कराना चाहते हैं, अगर उसका नाम चाहिए आपको, तो यहाँ पे तो यह क्वेश्चन में टाइप कर दीजिए नेम। अब यहाँ देखिए इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। इन सभी ऑप्शन को हम वन बाय वन देखेंगे। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं शॉर्ट आंसर। जैसे आप शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो इसके आंसर में। यहाँ पर आपने उनसे नाम पूछा है तो यहाँ पर जो भी जिस यूज़र को आप ये फॉर्म शेयर करेंगे वो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टेक्स्ट एंटर कर सकता है। ओके, अब मुझे दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछना है कि एड्रेस या मोबाइल नंबर, तो उस केस में मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डुप्लीकेट। जैसे आप इस डुप्लीकेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख दीजिए आप एड्रेस। जैसे एड्रेस को क्लिक करेंगे आप, तो ये देखिए यहाँ पर एड्रेस में टैक्स भी होता है और नंबर भी होता है। जैसे किसी का एड्रेस है B159 C159 लाइक दिस, तो वहाँ पर नंबर भी आ रहा है और टेक्स्ट भी आ रहा है। इन दैट केस यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा पैराग्राफ, अदरवाइज वो यूजर से डेटा नहीं लेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मुझे यूज़र से मोबाइल नंबर की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए या किस कंपनी का मोबाइल नंबर है, तो वो क्वेश्चंस भी ऐड कर सकता हूँ इस तरह से, मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करके। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं, मोबाइल नंबर। अब मुझे ये देखना है कि ये फॉर्म जब मैं शेयर करूँगा तो वो किस तरह से दिखेगा मुझे फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आप इस प्रीव्यू बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस कुछ इस टाइप का ये फॉर्म दिखेगा आपका। एग्जाम्पल के रूप में मैं ही कुछ एंटर करके देखता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी एंट्री फिलअप कर दी है, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैंने कुछ भी गार्बेज वैल्यू डाली है। जैसे मैं इसे सबमिट करूँगा तो ये सर्वे फॉर्म का एक रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है। अब आप इस फॉर्म के ऑनर हो तो ये जो रिस्पॉन्स है सिर्फ ऑनर को ही दिखेगा, क्योंकि मैंने ये फॉर्म बनाया है, मैं इस फॉर्म का ऑनर हूँ तो मैं ही इसका रिस्पॉन्स देख पाऊँगा। तो इस रिस्पॉन्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए PSJ ने जो फॉर्म सबमिट किया था उसका एक रिस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है आपके पास, आपको किस फॉर्म में चाहिए, आपको गूगल शीट के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ इस आइकॉन पे क्लिक कीजिए क्रिएट स्प्रेडशीट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे या आपसे पूछेगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यस वी वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए गूगल शीट ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए टाइम स्टैम्प भी आ जाता है, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, जो मैंने गार्बेज वैल्यू एंटर की थी वो सब डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये एक डेमो मॉडल था कि आप गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप और एडवांस जानकारी चाहते हैं तो इस पे कमेंट जरूर कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है, आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी गूगल फॉर्म से रिलेटेड, तो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में।